गर्मियों में फ्रिज का ठंडा पानी हमें राहत तो देता है, लेकिन ये सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है। फ्रिज खरीदना भी हर किसी के लिए संभव नहीं है। NFHS 5 के ही आंकड़े बताते हैं कि आज भी 37% परिवार के पास फ्रिज नहीं है। अगर मैं यदि ये कहूँ कि बिना बिजली के चलने वाला फ्रिज, जिसमें पानी से लेकर फल सब्जियों को एकदम फ्रेश और ठंडा रखा जा सकता है, इसके दाम काफी कम भी हैं, तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया दायल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाले लोगों की, जो लोग दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और जिनके संघर्ष की कहानी आप में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा भर देती है। एक और ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर है आप सबके बीच। गुजरात के रहने वाले मनसुख भाई प्रजापति ने बिना बिजली से चलने वाले फ्रिज का इनोवेशन किया। मनसुख भाई का फ्रिज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें कई दिनों तक पानी, दूध, सब्जी, फल एकदम फ्रेश रहता है। मनसुख भाई अपने इस फ्रिज से करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है। मनसुख भाई ने 10वीं पास भी नहीं की है। 10वीं फेल होने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं करने का फैसला किया। मनसुख भाई जो है कुमार समुदाय से आते हैं। उनके परिवार सालों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। मनसुख भाई का बचपन काफी गरीबी में बीता है। वह बताते हैं कि माँ सुबह 4 बजे उठकर मिट्टी लेने जाती थी। पिता और परिवार के लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे, लेकिन मेहनत के हिसाब से कमाई नहीं होती थी। मनसुख भाई के माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर समाज की पीढ़ियों को तोड़े और कुछ अच्छा करे, लेकिन वे 10वीं क्लास में फेल हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं करने का फैसला लिया। उस जिसके बाद 15 साल की उम्र में मनसुख भाई के पिता ने उनके लिए चाय की दुकान खोल दी। मनसुख भाई चाय बेचने लगे। वह कहते हैं कि एक दिन उनकी दुकान पर मिट्टी से बने खपरेल बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक चाय पीने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने मनसुख भाई को फैक्ट्री में काम करने का ऑफर दिया और यहीं से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। मनसुख भाई को खपरेल की फैक्ट्री में काम करने के बदले सिर्फ 300 रुपए मिलते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने की ठानी। इसके लिए मनसुख भाई ने एक सेठ से 50,000 रुपए कर्ज मांगे, लेकिन उनके परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। परिवार वालों को डर था कि इतने पैसे चुका पाना उनके लिए नामुमकिन होगा। फिर मनसुख भाई ने 30,000 रुपए कर्ज लेकर अपने बिजनेस की नई शुरुआत की। मनसुख भाई ने सबसे पहले मिट्टी का तवा बनाने वाली मशीन का इनोवेशन किया। इसे उन्होंने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया। साथ ही उन्होंने 2,200 स्क्वायर फीट जमीन पर अपना सेटअप लगाया और काम शुरू किया। 2 साल की मेहनत के बाद साल 1990 में मनसुख भाई को सफलता मिली। फिर उन्होंने मिट्टी का वाटर प्यूरिफायर बनाया। बिजनेस रफ्तार पकड़ ही रहा था कि तभी 2001 में गुजरात भूकंप की वजह से मनसुख भाई को काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने बिजली के बिना चलने वाला फ्रिज बनाने का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि मिट्टी से ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जो सामान को ठंडा और फ्रेश रख सके, बिना लाइट के चले और आम आदमी आसानी से इसे खरीद पाए। लेकिन इसे बनाने में उन्हें 2 साल लग गए। मिट्टी से बने इस फ्रिज में 5 से 6 दिन तक फल सब्जी फ्रेश रहते हैं। इसके अंदर दवाइयों और अन्य सामान को रखा जा सकता है। ये फ्रिज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। बिजली के बिना चलने वाले फ्रिज की सफलता के बाद मनसुख भाई ने साल 2002 में 7 लाख रुपए का लोन लेकर मिट्टी कूलर नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की। तभी मनसुख भाई 250 से ज्यादा सामान बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। वो किचन से इस्तेमाल होने वाले सभी सामान मिट्टी से तैयार कर रहे हैं, साथ ही 250 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रही हैं।
मनसुख भाई को उनके अनोखे इनोवेशन के लिए कई अवार्ड दिए जा चुके हैं। उन्हें पेरिस सरकार ने भी सम्मानित किया है। साथ ही उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी से लेकर कई सारे नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। मनसुख भाई को गुजरात के गौरव से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनसुख भाई ट्रेडिशनल तरीके को छोड़कर नई तकनीक से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी कर रहे हैं और सालाना 3 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।